किरमानी साहब, खाकवानी साहब ने सच्ची बात कही, आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं, आपकी बात भी फर्क नहीं है। किस लिए कभी आप कह देते हैं वोट को इज्जत दो, जब मौका मिलता है तो जब भी डालने में सबसे आगे खड़े होते हैं। लेकिन उसका जो हमने उसका फिर खमियाजा भी तो भुगता है। जब वोट को इज्जत दो का नारा जो लगाया था तो आप देखिए कि खमियाजा तब भुगता था या 9 अप्रैल के बाद भुगता है? नहीं, कभी बैठ के जायजा लिया। लेकिन अब वो जाहिर है एक नारा अगर रहता तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुनासिब था, लेकिन अब क्या किया जाए कि वोट को इज्जत को में हम अभी भी यकीन रखते हैं। जमहूरियत 9 अप्रैल 2022 से पहले जितने बाई इलेक्शन हुए थे, एक सियालकोट की सूबाई असम्बली की नशीस छोड़ के आप सारे बाई इलेक्शन पाकिस्तान वाले जीत गए थे। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए उसमें आपका जो हाल हुआ है, तो दैट शोज़ कि आपका 9 अप्रैल का फैसला आप पे भारी पड़ा है। वो गलत फैसला था, मैं उसको ज़ाती मेरी राय ये है, मुझे नहीं पता पार्टी मेरी क्या सोचती है, लेकिन जो हमने लोटों को टिकट दिए, जो ये जुलाई की बात आप कह रहे हैं, जो इलेक्शन हुए थे जिसमें 15 सीटें पीपल्स ले गई थी PTI, तो उस पर वो रिएक्शन था, रद्दमल दिया वोटर ने कि भाई ये गलत किया तुम लोगों ने, तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं।